तो भैया लोगों, जब से पबजी मोबाइल बैन हुआ है, सभी के सभी फ्री फायर प्लेयर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई क्या फ्री फायर भी बैन होएगा? तो भाई लोग, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे एक तरीके से क्या हमारा फ्री फायर बैन हो सकता है क्या, और या फिर उसके चांसेस कितना है। और एक वीडियो, मतलब एक फोटो वायरल हो रही है जिसके उसमें बताया जा रहा है कि फ्री फायर आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर बैन हो जाएगा इंडिया में पूरी तरीके से। अब उस चीज़ में कितनी सच्चाई है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूँ, तुम लोगों में से जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, जो फ्री फायर का लवर है, तो गाइज यहाँ पे अगर तुम लोग डिसलाइक करोगे तो भाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मैंने खुद ने इजाद नहीं करी है, न्यूज़ चैनल वाले को मैंने नहीं बोला है। जो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ सुनने में आ रही है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो समझदार लोग हैं वो लोग लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक क्या मैं रख रहा हूँ पहली बार, 40 लाइक्स का। उम्मीद करूँगा तुम 40 लाइक कंप्लीट करा दोगे। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, क्या फ्री फायर हमारे इंडिया में बैन हो सकता है या फिर इसका कोई चांसेस नहीं है? हाँ तो भैया लोगों, मैं आपको बता दूँ, इसके चांसेस है, ठीक है भाई, मतलब कंफर्म नहीं है। लेकिन देखो गाइज, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं अभी एक तरफ बोल रहा हूँ, आप लोग अपने जो व्यूज़ है अपने कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ तो भैया लोगों, फ्री फायर बैन हो सकता है, ऐसा क्यों? तो गाइज, सबसे बड़े दो कारण हैं। तो गाइस, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो न्यूज़ चैनल था गाइस, वो एक बंगाली मतलब न्यूज़ चैनल था, उसके अंदर गाइस ये बताया जा रहा है बंगाली में कि गाइस फ्री फायर जो आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर बैन हो जाएगा इंडिया में से कम्प्लीटली, ठीक है। तो गाइस, अब कोई सा भी न्यूज़ चैनल रहेगा, वो किसी सोर्स के थ्रू ही हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, वो हवा में तो कोई बात, कोई सा भी न्यूज़ चैनल है वो हवा में बात नहीं करता है। तो गाइस, ये मतलब ये जो खबर है वो न्यूज़ चैनल के थ्रू निकल के आ रही है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, शायद फ्री फायर बैन हो सकता है। कन्फर्म नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो भी देख रहा है प्लीज़ देख लो पूरा एंड तक, अभी आगे की और पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। अब बारी आती है गाइस शेयर की। तो गाइस देखो, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पबजी बैन के, तब भी मैंने ये बात तुम सभी को बोल दी थी कि भाई फ्री फायर भी हो सकता है अगर बात आती है स्टैक्स की, शेयर करने की, ठीक है ना। क्योंकि गाइस टेंसेंट का मतलब जो फ्री फायर है उसका 40% तक का शेयर, आई थिंक 29% ऑलमोस्ट कन्फर्म है, 29% तक का शेयर टेंसेंट के पास जाता है। टेंसेंट वही कंपनी जिसने पबजी का क्रिएशन है, वो सब ठीक है। तो गाइस, अगर पबजी बैन हो रहा है और अगर स्टैक्स के थ्रू अगर आप लोग देखें, तो गाइस पबजी से ज़्यादा शेक्स हमारे गरीना ने लिए हुए हैं टेंसेंट के 39%। तो इसके बहुत 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 अच्छा पॉसिबिलिटी है कि आप सभी को मतलब फ्री फायर है जो कि बैन हो सकता है। ये तो हो गए दो कारण। अब तीसरा कारण गाइस, देखो तीसरा कारण थोड़ा सा अलग है, ये इस चीज़ में मैं ज़रा घुसना नहीं चाहूँगा। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी 4G के बारे में कि भाई मतलब 4G गेम लॉन्च हो रहा है, पबजी बैन के बाद इसकी अनाउंसमेंट हुई है, पहले नहीं हुई, ये बात आप लोगों ने ध्यान दी होगी। और उसके बाद गाइस अभी फ्री फायर की बात आ रही है, तो गाइस मुझे कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी ठीक है, आप लोग बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन हो सकता है शायद 4G को प्रमोट करने के लिए आप बोलोगे, तो 4G को प्रमोट करने के लिए गेम थोड़ी नहीं बंद करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन गाइस देखा जाए तो इंडिया का गेम नहीं है फ्री फायर, जितने भी लोग सोचते हो कि इंडिया का बेटर रॉयल है, इंडिया का नहीं है फ्री फायर, ये बात तुम लोग ध्यान रख लो, ठीक है। सिंगापुर का है वो, अगर इंडिया को जो आत्मनिर्भर जो चल रहा है उस सीन को और आगे बढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्री फायर हमारा बैन हो सकता है। अब तुम लोग ये भी बोलोगे भाई फ्री फायर पबजी तो पहले ही बैन कर दिया, हम फ्री फायर में आने की सोचे तो फ्री फायर भी बैन कर दिया, अब हम करें तो करें क्या? तो भाई अब फिर बहुत सारे लोग बोले कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, मैं भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ। तो यार देखो, अब मैं क्या बोलूँ यार, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अगर भाई कॉल ऑफ ड्यूटी तुमको नहीं खेलना है फ्री फायर को छोड़ के भी, तो गाइस फिर तुम लोग वेट करो 4G का, ठीक है ना। अब 4G गेम कैसा होगा कुछ मतलब कुछ भी नहीं पता मेरे को, कल उस पर एक वीडियो भी आएगी सुबह 12 बजे, तो मेरे को नहीं पता 4G गेम कैसा होगा, मतलब उसके अंदर ग्राफिक्स क्या होने वाले, उसके क्या होगा, फीचर्स क्या होंगे। लेकिन गाइस, अगर सब ये सभी बैन हो जाएंगे तो फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने को बस यही चाहती है कि उनका गेम प्रमोट हो। तो गाइस 4G गेम अगर फिर कैसा भी हो, उसके ग्राफिक्स अब बस अच्छा होना चाहिए, बाकी कैसा भी गेम आप लोगों को खेलना पड़ेगा, क्योंकि खेलना पड़ेगा कि हमको खेलना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। बिकॉज एक तो सबसे पहली बात इंडियन गेम है, जो भी रिवेन्यू जाएगा वो इंडियन सोल्जर्स को जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो अगर मेरे से अगर तुम लोग बोलो, तो गाइस मैं तो बोलूँगा कि भले फ्री फायर बैन मैं कभी भी नहीं चाहता, कोई सा भी गेम बैन हो, मैं एक पबजी लवर हूँ, पबजी बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, मैं फ्री फायर से ज़्यादा पबजी खेलता हूँ, ठीक है। मैं कंटेंट क्रिएटर, मैं यूट्यूब फ्री फायर के ऊपर डिपेंड करता है, तो गाइस अगर दोनों ही चल जाएंगे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को कि फ्री फायर तुमको खेलना चाहिए कि नहीं, तो खेल लो,
और अगर नहीं, अगर बैन होता है तो फिर फौजी का वेट करो, वो तो आप लोग वैसे भी खेलने वाले। तो गाइस देख सकते, बहुत बहुत शुक्रिया, 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो रही है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कर देना यार अगर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पसंद आई तो। बेल आइकन को थोड़ा ऑल पे सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाए। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।